पंजाब के मोगा जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां शादी के एक दिन पहले ही दुल्हन और उसका पूरा परिवार घर छोड़कर भाग गया। दरअसल दूल्हे के घर वाले जब शादी के लिए दुल्हन के गांव रेड़वा बारात लेकर पहुंचे, तो वहां के लोगों की तरफ से उनकी कार रुकवाकर उन्हें इस बात की जानकारी दी गई कि लड़की पहले से ही कोर्ट मैरिज कर चुकी है। और जब दूल्हा अपने परिवार के साथ दुल्हन के घर पहुंचा, तो वहां उन्हें ताला लगा मिला। इसी के साथ ही जब दूल्हे के परिवार वालों ने कॉल के जरिए उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ था, जिसके तुरंत बाद दूल्हे के परिवार ने पुलिस को इस बात की जानकारी देकर दुल्हन के परिवार वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को जानकारी देते हुए दूल्हे हरिजिंदर सिंह के परिजनों ने बताया कि लगभग एक महीने पहले ही उनकी शादी पक्की हो गई थी। वहीं शादी के एक दिन पहले ही लड़की के घर वालों की तरफ से उनके यहाँ शगुन भी भेजा गया था। रेड़वा आने आने तक उनकी शादी को लेकर इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई थी। वहीं दूल्हे के परिवार वालों ने लड़की की कोर्ट मैरिज को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि जब उसकी कोर्ट मैरिज की गई, तब वो नाबालिग थी, इसीलिए उसके पहले पति को सजा भी दी गई थी। लेकिन जब सब कुछ ठीक होने के बाद उस लड़की की शादी उनके बेटे के साथ पक्की हुई, तो शादी के ठीक एक दिन पहले दुल्हन और उसका पूरा परिवार उन्हें चकमा देके भाग गया, जिसके चलते दूल्हे के रिश्तेदारों ने दुल्हन के परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल दूल्हे के परिवार की शिकायत दर्ज कर ली गई है और पुलिस की तरफ से उन्हें हर तरह से मदद देने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल तरकश को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।